आज हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके बेसिस पे थ्योरम 6.6 पढ़नी है। टॉपिक हमारे पास एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके बेसिस पे थ्योरम 6.6 हम विद ग्रुप पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट पढ़ते होंगे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स है उनके एरियाज का रेशियो किसके बराबर आता है? उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव के लिए समझता है दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेते हैं। दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर। दूसरी ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू आर ये दो ट्रायंगल्स दी हमने। गिवन में क्या आ जाएगा? टू ट्रायंगल्स ए बी सी हैं पी क्यू आर सच दैट ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सच दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो प्रूव क्या करना है? इसमें प्रूव करेंगे इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर आते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आएगी है तो ए बी और पी क्यू आएगी इनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर, या बी सी अपॉन क्यू आर रेशियो स्क्वायर लिख सकते हो, या ए सी अपॉन पी आर तीसरी जो पेयर होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो। और तो प्रूफ कंस्ट्रक्शन इसमें क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम ड्रा करेंगे द ए एम पर ट्रायंगुलर। इसके लिए बी सी लिखे और टी एम पर ट्रायंगुलर के ऊपर ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर ड्रा किया। उसके बाद प्रूफ, प्रूफ में इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके बराबर आएगा? ए बी सी के एरिया क्या आएगा? बेस और हाइट हमारे पास गिवन है, क्या आएगा? वन अपॉन टू इंटू बेस। बेस क्या है? बी सी। आल्टीट्यूड क्या है? ए एम डिवाइड बाई वन बाई टू इंटू इसका क्या है आगे वाला टाइम है बेस इस क्यू आर और ये क्या है पी एम। वन अपॉन टू दोनों साइड से कैंसिल, मैं इसको लिख सकता हूँ बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन। और इसको फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं ये यहीं पे आप ड्रॉइंग ट्रायंगल, ये लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल ए बी एम और इधर बी पी क्यू एंड दोनों साइड से लेफ्ट वाली ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी एम और दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू एंड इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो क्या आ रहा है? इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी एम और पी क्यू एन ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसका एंगल बी इसका एंगल क्यू के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के, सिमिलर ट्रायंगल्स का काज का मतलब इक्वल होते हैं। और दूसरा क्या है, दिस एंगल ए एम बी इज इक्वल टू पी एम क्यू, क्या इसमें परपेंडिकुलर से एंगल बन रहे, दोनों 90 डिग्री हो गए। एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू, इसका रीजन है ईच 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स क्या है 90 डिग्री। तो बाई ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन हमने यहाँ पे यूज किया, इसके बेसिस पे मेरे को ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ये ट्राइंगल कॉन्वेंट है, और ट्राइंगल कॉन्वेंट है इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख सकता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल आएंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ए एम अपॉन पी एच, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एच, ये सेकंड इक्वेशन ठीक है। अब सॉल्व, ऑल्सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो विच इंप्लाइज दैट मीट कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल आएगी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, लिख सकते हैं ये है थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड वी गेट, हम क्या करेंगे इस सेकेंड इक्वेशन का यूज फर्स्ट इक्वेशन में करो, तो इससे क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे इज इक्वल टू ये आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर ऐसे ही इंटू ए एम अपॉन पी एन सी का हम इसकी आगे एरिया अपॉन पी क्यू पुट करते हैं, इसमें सेकेंड यूज आएगा एरिया अपॉन पी क्यू। अब देखो इस बी सी अपॉन क्यू आर, देखो बी सी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, इसमें फिर से थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, इधर भी लिखो ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू, ऐसे यूजिंग थर्ड थर्ड इक्वेशन यूज की इसमें आर इसके बराबर विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए बी अपॉन इक्वल है अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर इक्वल हैंस रूट, ये हो गया हमारे पास इसका प्रूफ। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 6.4, ABC and DF are two triangles. Sorry, let triangle ABC similar to triangle DEF. ये दो triangles हैं, ABC similar triangles हैं, ABC और DEF. Their areas respectively be 64 cm square and 121 cm square. If EF is equal to 50.4, find BC. इसपे BC find करना है. तो देखो इस थ्योरी का हम यूज करेंगे, ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर लिखेंगे हम इनमें, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर गिवन लिखो, पहले गिवन में क्या है हमारे पास दिया गया है ए
डी एफ, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ जो दूसरी वाली इसमें क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर उसके बाद ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर एंड ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर के इक्वल दिया गया है। इसमें फाइंड करना है बी सी और इसके सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, दिस इज ऑलरेडी गिवन, तो व्हिच इंप्लाइज दैट इनके एरियाज का रेशियो क्या आएगा, सॉरी साइड्स का रेशियो स्क्वायर के बराबर, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ किसके बराबर आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहां से बी सी लो तो यहां से क्या आएगी ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आप रीजन दे सकते हो, थ्योरम 6.6 इसका रीजन आएगा, क्या रीजन आएगा, एरिया ऑफ सिंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहां पे इनकी वैल्यूज पुट करो, ए बी सी की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 64, डी एफ किसके बराबर है 121 इज इक्वल टू बी सी की जगह बी सी ऐसे ही अपॉन ई एफ की जगह 15.4 का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 8 अपॉन 11, 8 होता है 64 होता है 8 का स्क्वायर, 121 होता है 11 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बी सी अपॉन 15.4 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर होगा बोथ साइड्स, बोथ साइड्स से स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू बी सी 15.4, विच इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं 11 इंटू बी सी इज इक्वल टू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 8 इंटू 15.4 विच इंप्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 डिवाइड बाई 11 से डिवाइड करो, 11 से 44 1.4 इंटू 8 किसके बराबर आ जाएगा 112 विच इज इक्वल टू 11.2, देयरफॉर बीसी किसके बराबर आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूं मैं, इसमें क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, ये दो ट्रायंगल्स हैं इनकी सेम बेस है बीसी, एडी इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को पॉइंट O पे, हमें शो करना है ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल शो करना है। इसका मैं हिंट देता हूं, देखो इस तरह से ये फिगर दी गई है, ये फिगर है हमारे पास इसके बी सी एडी, जैसे बी सी ए डी, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या है एक ए बी सी और दूसरी डी बी सी दोनों ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी पे लाई कर रही है, बेस इनकी दोनों की बी सी है, तो हमें ये प्रूव करना है एरिया बी बी सी अपॉन डी बी सी अपॉन डी ओ बी इक्वल सेक्टर, तो सबसे पहले आप लिखोगे इसमें गिवन क्वेश्चन में से लिखो
ABC and DBC are two triangles same base BC and AD intersect BC at point O. This is the triangle. To prove या to show क्या करना है? To show करना है क्या area ratio upon area BC upon DBC upon BO के बराबर. फिर उसके बाद इसमें क्या हो गया construction. पूछो भी बुक से ही लिखा construction में ये perpendiculars draw करना है. AM और DM ये perpendiculars draw करना है. concession लिखा हमें draw AM perpendicular to BC एंड दूसरा BN perpendicular to BC. तो प्रूफ में आप सबसे पहले देखो क्या लोगे ये ट्रायंगल लोगे AOM दिस इज पॉइंट O AOM एंड BOM इन ट्रायंगल AOM और दूसरी ट्रायंगल क्या है ट्रायंगल DOM. इन दोनों ट्रायंगल्स में आप चेक करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO के इक्वल है. एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DN और रीजन क्या है ईच 90 डिग्री दोनों परपेंडिकुलर से बाहर हमारे दोनों एंगल्स क्या आएंगे 90 डिग्री इक्वल. फिर उसके बाद एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON के इक्वल है. ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आप पूरा इसका फुल फॉर्म लिखना है VOA नहीं लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन के बेसिस पे दोनों ट्रायंगल्स ट्रायंगल AOM जो है इज कॉन्गुएंट टू ट्रायंगल तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से इनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है AM upon DN is equal to AO upon DO which implies that AM upon DN is equal to AO upon DO equal आएगा. सो फर्स्ट इक्वेशन रख दिया ये हो गया यहाँ पे. नाउ ये सिमिलर भी होंगी सॉरी ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया है सिमिलर. नाउ ट्रायंगल AOM AOM अगर सिमिलर ट्रायंगल BON के लिए इसका मतलब क्या आ जाएगा इनके या ये सिमिलर है. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ABC upon area of triangle DBC. Area of ABC किसके बराबर आएगा? 1 upon 2 into base इसमें BC है तो altitude क्या है? AM divided by DBC का 1 upon 2 base इसकी BC तो altitude क्या आएगा? DN. ये आ जाएगा किसके बराबर? 1 upon 2 BC 1 upon 2 BC दोनों numerator denominator से cancel किया जाएगा. AM upon DN equal इसी को लिख सकते हो AM upon DN की जगह मैं लिखूंगा AO upon DO. किसका यूज किया यूजिंग जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन तब हो गया प्रूफ. देयरफॉर आप लिख सकते हो एरिया ABC upon एरिया BBC इज इक्वल टू एरिया ABC upon एरिया ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO upon DO. यही हमें शो करना था. नेक्स्ट देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन क्या है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्गुएंट. अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स के दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया आपके पास इक्वल आ रहा है तो उन ट्रायंगल्स को कॉन्गुएंट प्रूव करना है.
दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन क्या हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ लिखो डी ई एफ लिखो पी क्यू आर लिखो की बात एक एरिया लिखो क्वेश्चन नंबर फोर का गिवन क्या आ जाएगा हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स ए बी सी और दूसरी क्या है डी एफ सच दैट इन ट्रायंगल्स में क्या है कि एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इन दोनों के लिए एरिया इक्वल है तो प्रूव क्या करना हमें तो प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल डी एफ इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट ट्रायंगल्स प्रूव करना है और इसमें प्रूफ देते हैं इसका तो प्रूफ में सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी और सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ के लिए तो इसका मतलब क्या आ जाएगा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ दिस इज गिवन तो व्हिच इंप्लाइज दैट ये थ्योरम 6.6 यूज करते हैं एरियाज का रेशियो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीएफ किसके बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके बराबर बी सी अपॉन ईएफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बीएफ का होल स्क्वायर और इस पर फर्स्ट इक्वेशन ऑल्सो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी एफ ये भी हमने कहां से लिया ये भी गिवन दिस इज ऑल्सो गिवन तो विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ DEF is equal to किसके बराबर आ जाएगा इसको इस साइड डिवाइड करने लायक इस साइड के बच्चे के बाद दिस इज क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सेकेंड वी गेट फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के बेसिस पे क्या आएगा AB upon DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC upon EF whole square is equal to AC upon BF whole square ये सभी वन के बराबर आ जाएंगे अब इसको हम टर्म वाइज वन के साथ इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास AB upon BE whole square अगर वन के बराबर है AB root of both sides का है तो AB upon DE भी वन के बराबर आएगा AB की वैल्यू डी इक्वल आएगी यहाँ इसको इक्वेट करें बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर वन है तो ए की रूट ऑफ बोथ साइड्स आए तो बी सी अपॉन ई एफ भी वन आता है और बी सी की वैल्यू हो जाएगी ई एफ और यहाँ से ए सी इज इक्वल टू बी एफ आ जाएगा तो क्या निकल रहा है हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ रही हैं बाय एसएसएस एसएसएस कॉन्वेंसी रूल रूल के बेसिस पे इक्वल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल डी एफ हेंस रूल यह है प्रूफ इसका तो कल हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आज के लिए